हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप खरे स्वागत करता हूं आज के बहुत ही स्पेशल वीडियो लेक्चर में, क्योंकि आज के वीडियो में आपके 2 से 4 अंक पक्के होने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से समझना। आज हम बात करेंगे विद्युत परिपथ आरेख, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो विद्युत परिपथ आरेख में मैं हर एक परिपथ के प्रतीक की डिटेलिंग करूँगा कि इनको ऐसे ही क्यों बनाया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत ही ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर हम बात करें विद्युत सेल की, तो सेल का जो साइन है या उसका प्रतीक है वो इस तरीके से बनाया जाता है। इसमें याद रखना, इसमें एक होती है बड़ी लाइन और एक होती है छोटी लाइन। सेल की बात हो रही है, विद्युत सेल की। एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है। बड़ी लाइन पे हमेशा प्लस रहता है और छोटी लाइन पे हमेशा माइनस रहता है, और इसमें दो तरफ ऐसे तार जोड़ देते हैं, ये तार होते हैं और विद्युत सेल का प्रतीक बन जाता है। तो अब आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आपने इसकी डिटेलिंग समझ ली है कि जो बड़ी लाइन है वो प्लस का चिन्ह प्रदर्शित करती है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल प्रदर्शित करती है, और जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल के लिए दिखाती है, और जो इस तरीके से ये लाइन है ये तार है। तो किसी भी परिपथ में जब हम विद्युत सेल जोड़ते हैं, जैसे मान के चलो कि ये अपना एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, और बल्ब में हमें क्या जोड़ना है, सेल जोड़ना है, तो हम ऐसे जोड़ देते हैं, देखो इस तरीके से। तो ये एक पॉजिटिव लाइन है बड़ी वाली, और छोटी वाली बताओ कैसी है, नेगेटिव है, और इस तरीके से जोड़ देते हैं। तो ये प्लस से माइनस की ओर हमेशा धारा का जो प्रवाह का चिन्ह है वो प्लस से माइनस की ओर, ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं, ये करंट बहती है। तो ये लग गया अपना इतना सेल, देखो ये सेल लग गया, तो ये है प्रतीक सेल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे आपसे बोला जाए बैटरी या सेलों का संयोजन, तो देखो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक सेल है, लेकिन यहाँ पे देखो एक से अधिक है, दो या दो से अधिक सेल है, तो वो बन जाती है बैटरी। यही एग्जाम में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अब जैसे उन्होंने बोल दिया कि बैटरी का बनाओ, तो आप कहते हो बैटरी या नहीं तो सेल होता है, तो आप ये वाला बना के आ जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सेलों का समूह बैटरी कहलाती है, याद रखना, सेलों का समूह। यहाँ पे लिख लो बैटरी क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैटरी की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो बैटरी आप लिख देना सेलों का समूह, मतलब दो या दो से अधिक सेल आपस में जुड़े हैं। देखो ये एक सेल ये लगा है, फिर उसी से कनेक्टेड एक सेल और है, फिर उसी से कनेक्टेड एक सेल और है, तो वो आपकी बैटरी बन जाएगी। तो बन जाएगा ना, एग्जाम में समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरीके से आपको एक एक जो अवयव है उसका प्रतीक मैं समझाने वाला हूँ, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आए, और यहाँ से मान के चलिए आपके 2 से 4 अंक पक्के हैं एग्जाम में, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। इसलिए बहुत ध्यान से समझो, आपकी किताब में यही दिया गया है। देखो जैसे खुली या प्लग कुंजी अथवा स्विच, ये है देखो, ये खुली कुंजी के लिए बनाया जाता है, मतलब अभी ऑफ है। ये देखो बंद प्लग कुंजी स्विच, ये देखो ये बंद प्लग कुंजी है, मतलब ये कनेक्टेड है। तो खुली में ये देखो, यहां पे ये बीच के हिस्से में डॉट नहीं है, खुली है क्योंकि ये बंद है, अगर तो डॉट है, ये बंद हो गया ये कोष्ठक, समझो इस बात को। अगर इस कोष्ठक को खुला रखा गया है, ये देखो इसके अंदर कोई डॉट नहीं है, तो ये खुली कुंजी है। अगर इस कोष्ठक के अंदर यहां पे डॉट लग जाए तो ये बंद कुंजी है। समझ में आया, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, वीडियो देखते देखते ही याद हो जाने वाला है, बहुत अच्छी तैयारी आप कर रहे होगे, ठीक है। अब जैसे आ जाए तार संधि, तो तार संधि क्या है, संधि का मतलब होता है जोड़, संधि का मतलब क्या होता है, जोड़। तो देखो यहां पे एक तार यहां से आया, एक तार यहां से आया, और एक तार यहां से आया, तीनों का जो संधि है वो यहां पे है, तो इसका सिंबल भी लगभग सेम है। तो ये है तार संधि, संधि का मतलब जोड़। जैसे हमारे घुटनों की संधि होती है ना, तो घुटनों और कोहनी की संधि होती है, आप बायोलॉजी में पढ़ते होंगे, उसी तरीके से ये साइंस में तारों की संधि होती है। इसके आधार पर किरचॉफ ने एक नियम भी दिया था, अब वो नियम आप आगे जाके पढ़ोगे। अब देखो बिना संधि के, यानी तार क्रॉसिंग, ये देखो इसमें कोई संधि नहीं है, एक तार यहां से आया है, दूसरा तार यहां से चला गया, तो कोई डॉट नहीं बनाना, ठीक है। यहां पे इसका चिन्ह कैसे बनाओगे, सबसे पहले आधा वृत्त बना लेना, और इसके ऊपर ऐसे बना देना, इसके नीचे ऐसा बना देना, और यहां से एक सीधी लाइन,
ठीक है, कोई डॉट मत बनाना क्योंकि बिना संधि के तार क्रॉसिंग करवानी है। ये देखो संधि नहीं है, इनके बीच में जुड़ाव नहीं है, बस तार का क्रॉसिंग है, तो ये इसका एक प्रतीक चिन्ह हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब ये तो 3D में बना है, ये बनाना पॉसिबल है नहीं होगा, एग्जाम में कलर का है क्योंकि कलर भरने पड़ेंगे। और ये वाला बहुत सिंपल है, कैसे बनाओगे देखो, उल्टा W बना दो सबसे पहले। तो उल्टा W कैसे बनता है, इस तरीके से उल्टा W बना दिया और ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अब आप कहोगे सर ये थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा अच्छा सा, क्योंकि उल्टा W बनाते समय आपको ऐसे नीचे लेके आना है और इसको भी ऐसे नीचे लेके आना है, फिर ऐसा कर देना है। जैसे हार्ट बनता है, हार्ट कैसे बनता है, दिल कैसे बनाते हो, ऐसे थोड़ा सा ऐसे, बस उसी शेप में ऐसा करके ऐसा कर देना, ठीक है, बन जाएगा। ओके बन जाएगा सर ये तो। इसके बाद क्या है, प्रतिरोधक। प्रतिरोधक यानी रुकावट, जैसे रोड पर ब्रेकर्स होते हैं ना, ब्रेकर्स, उसी तरीके से ये ब्रेकर्स बने हुए हैं। अगर यहां से तुम अपनी 4-व्हीलर ले जाओगे या 2-व्हीलर ले जाओगे तो यहाँ पे ब्रेकर्स मिल रहे हैं ना बहुत सारे। तो प्रतिरोध मतलब धारा के मार्ग में जो बाधा होती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। बाधा देखो रुकावट बनाई गई है, जैसे ब्रेकर्स बने रहते हैं, तो प्रतिरोधक का उससे याद हो जाएगा कि ब्रेकर्स से बनाने हैं। इसके बाद तुम्हारा ये रहेगा परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक। तो प्रतिरोध में एक तीर का चिन्ह बनाओगे तो वो हो जाएगा परिवर्ती, क्योंकि ये वाला प्रतिरोध अपन बदल सकते हैं, बदलता हुआ प्रतिरोध है। तो ये जो है इसमें प्रतिरोध बॉक्स भी हम लगा सकते हैं, तो परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, ठीक है। अब धारा नियंत्रक क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि अगर कम प्रतिरोध होगा तो ज्यादा धारा बहेगी। देखो इस चीज को समझो, धारा और प्रतिरोध में रिलेशन इस टाइप का है, धारा ज्यादा होगी तो प्रतिरोध कम करना पड़ेगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा कम होगी, ठीक है। तो धारा नियंत्रक है मतलब प्रतिरोध कम होगा, ज्यादा होगा, बढ़ेगा घटेगा प्रतिरोध, तो धारा भी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी। तो धारा को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, धारा को हम कभी बढ़ा दे रहे हैं कभी घटा दे रहे हैं, क्योंकि प्रतिरोध को हम घटा बढ़ा दे रहे हैं, तो इसलिए इसको धारा नियंत्रक कहते हैं। नेक्स्ट है एमीटर, इसे एमीटर कह लो चाहे अमीटर भी बोलते हैं, ये एम्पियर में धारा नापता है। तो देखो ए बना हुआ है और ये करंट नापने का एक यंत्र है, तो ये किसी भी विद्युत परिपथ में जैसे अमीटर लगा है, अमीटर किस में नापता है, एम्पियर में, तो गोला बना दो और ए लिख दो, ए मतलब एम्पियर। अब यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे एक डिजाइन बना देनी है, ये देखो किसी भी विद्युत परिपथ में इस तरीके से सेल लगा दिया, प्लस माइनस करके, सेल तो हम पढ़ चुके हैं, तो ये सेल से जितनी धारा आ रही है वो यहाँ पे ये नापेगा कितने एम्पियर की आ रही है, 2 एम्पियर की, 3 एम्पियर की, 0.5 एम्पियर की, कितने की आ रही है, वो ये नाप देगा। तो ये अमीटर यानी कि धारा नापने वाला अमीटर, एक प्रकार का मीटर है जिससे क्या नापा जाता है, एम्पियर में धारा। वोल्टमीटर से वोल्टेज नापा जाता है, बिल्कुल सेम सिंबल है, बस एक ही जगह पे भी बना देना। तो ये 11 जो है अवयव है बहुत अच्छे से याद रखना, इनमें से जरूर एग्जाम में एक आएगा, तो मैंने सोचा रिवीजन करवा दूं आपका। रिवीजन आपने कर लिया, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और भी साइंस के ढेर सारे वीडियोस इसी तरीके से पड़े हुए हैं, 30-30 MCQs, हर चैप्टर के 30 MCQ, जो आपके गाइड में भी नहीं है, जो आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तब जाके एग्जाम में अच्छे अंक आएंगे। बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें, सारे वीडियोस उपलब्ध हैं, किसी भी तरीके का कोई पेड कोर्स नहीं है, सब कुछ फ्री आपको मिलेगा। आप हमारा चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग सर्च करके देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके अपने रजिस्टर में लिख लेना, आपकी बुक में भी ये दिया गया है, तो किस तरीके से करना है वो मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो विद्युत परिपथ आरेख इसी तरीके से आप कर सकते हो। थैंक यू।